हेलो दोस्तों, मैंने पोस्ट ऑफिस में ऐसा बहुत बार होते हुए देखा है कि आप जो लेटर भेजते हैं वो लेटर आपके भेजे गए पते पर ना जाकर वो लेटर आप ही के पास कुछ दिनों के बाद वापस आ जाता है। और दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, आपके द्वारा लिखा गया जो एड्रेस का फॉर्मेट होता है वो गलत होता है, जिसके कारण से आपका लेटर आपके भेजे गए पते पर ना जाकर आप ही के पास वापस आ जाता है। और दोस्तों, इसके लिए आप दोषी डाक विभाग को मानते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है, डाक विभाग आपके लेटर को सही जगह पे पहुंचाने की भरसक कोशिश करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप स्पीड पोस्ट करें या रजिस्ट्री करें या पार्सल करें, इन तीनों के लिए एड्रेस का फॉर्मेट होता है जो वो एक ही होता है। तो आज की वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आप अपने फ्रेंड्स को मोबाइल भेजते हैं, या जैसे अभी रक्षाबंधन का टाइम है तो बहन अपनी भाई को राखी भेजेंगी, या कहीं से आप बुक मंगवाते हैं, कोई भी सामान बाहर से मंगवाते हैं चाहे वो छोटा सा हो या बड़ा हो, या कोई स्टूडेंट जो है वह जॉब के लिए एप्लीकेशन देते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, तो इन सभी के लिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। और यदि आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिससे आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है, तो चैनल को विजिट जरूर करें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्री लेटर करना है या स्पीड पोस्ट करना है या रजिस्ट्री पार्सल करना है, इनवेलप के ऊपर आप लिखते हैं। दोस्तों, हर इनवेलप के दो साइड होते हैं, एक साइड पहले से ही बंद रहता है और दूसरा साइड ओपन रहता है। तो दोस्तों, ऐसा करना है, आपको इनवेलप को रखना है और जिस साइड ओपन रहता है उसे अपने राइट साइड में रखना है। ये हमारा राइट साइड है, हमने इसे राइट साइड पर रखा है, और यहाँ बंद है इसे हमने लेफ्ट साइड में रखा है। अब हमें करना क्या है, अपने लेफ्ट साइड में जिस साइड बंद है उस साइड में हमें फ्रॉम का पता लिखना है, हिंदी में जिसे प्रेषक कहते हैं, और जिधर ओपन है उस साइड में हमें टू का पता लिखना है, जिसे हिंदी में प्रेषित कहते हैं। अब हम जानते हैं आगे हमें फ्रॉम में क्या क्या लिखना है और टू में क्या क्या लिखना है जिससे हमारा लेटर सही जगह पे पहुंच जाए। फ्रॉम में अपना नाम लिखें, पिताजी का नाम लिखें, यदि आप कहीं बाहर रहते हैं तो केयर ऑफ में नाम लिखें, केयर ऑफ में आप अपने मकान मालिक का नाम भी लिख सकते हैं, सिटी में रहने वाले फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, गली नंबर लिखें, रोड नंबर लिखें, और गाँव में रहने वाले गाँव का नाम और अपने मोहल्ला का नाम जरूर लिखें। पोस्ट ऑफिस का नाम लिखें, पिन कोड लिखें, पिन कोड बहुत ही ज़रूरी है, सही लिखें, पिन कोड से ही आपका लेटर सही जगह पे पहुंच पाएगा, और अपने स्टेट का नाम लिखें। अब टू की बात करते हैं, टू में जिसके नाम से भेज रहे हैं उनका नाम लिखें, उनके पिताजी का नाम लिखें, यदि आप सिटी में भेज रहे हैं तो उनका यदि फ्लैट नंबर हो, हाउस नंबर हो या गली नंबर हो तो ज़रूर लिखें, रोड नंबर लिखें, और यदि आप लेटर गाँव में भेज रहे हैं तो उनके गांव का नाम लिखें, मोहल्ला का नाम लिखें और पोस्ट ऑफिस का नाम लिखें, पिन कोड सही लिखें और स्टेट का नाम लिखें। फ्रॉम और टू का एड्रेस लिखने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस जाना है, और पोस्ट ऑफिस जाकर आपको बुकिंग काउंटर पर अपने लेटर को, सामान को, या जो भी आप बुक कर रहे हैं उसे दे देना है। आप चाहे स्पीड पोस्ट कर रहे हैं या रजिस्ट्री लेटर कर रहे हैं या रजिस्ट्री पार्सल कर रहे हैं, उनके तरफ से आपके दिए गए सामान लेटर को वो वजन करेंगे, और वजन करने के बाद आपसे वो चार्ज लेंगे। दोस्तों, स्पीड पोस्ट का मिनिमम चार्ज 41 रुपीस है, और रजिस्ट्री लेटर का मिनिमम चार्ज 22 रुपीस है, और रजिस्ट्री पार्सल का मिनिमम चार्ज 36 रुपीस है। दोस्तों, चार्ज देने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसे आप बुकिंग करने के एक या दो दिन के बाद से ही ट्रैक कर पाएंगे कि आपका सामान लेटर अभी तक कहाँ तक पहुँचा है। आई होप दोस्तों आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। पोस्ट ऑफिस की इसी तरह के नई अपडेट्स के लिए, नई जानकारी के लिए आप अमित 3 माउंटेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को विजिट करें। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।